हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है यार, दो तीन दिन से फिर नींद पूरी नहीं हो रही। पूरी कोशिश करो। सना लेट आके भी सो गई है, मतलब स्कूल चली गई है। और ये अच्छा किया हमने रात को इनको 12 बजे तक भेज दिया था वापस, क्योंकि मिस्टी मैन के कजिन नितिन भैया दिखाए थे आपको, वो वापस आ रहे थे और वो यहीं रहते हैं, तो उन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया था। तो 10 बजे से पूछ रहा था 10:30 से कि वापस चलो वापस चलो वापस। वहां मिलनी होनी थी, कैसे आ सकती थी। अभी तो भैया कह रहे थे फेरों पे रुको, पर फेरों पे मुझे लगा बच्चे स्कूल भेजने। 2:30 उनकी वरमाला हुई है यार, बहुत सारे लेट देखे, बट ये शादी ज्यादा लेट हो गई। बट 2:30 तक भी हम इतना मजा आ रहा था उसकी वरमाला, जितनी मैं कैप्चर कर पाई की है मैंने। वो आ रही थी ना, उसको लेके आ रहे थे, तो उसने जैसे ही मेरे को देखा ना, क्लिप बना रही हूँ, हेलो क्रेजी फैम। तो ये है क्रेजी फैम का फीवर। तो बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जो जो करेंगे तो दिखाते हैं। ये मिला है कल हमें कार्ड, आपको दिखाया ना, वो अंजू दीदी के बेटे की भी शादी है। वो कनाडा रहता है, अगले हफ्ते आएगा उसकी अब शादी है। और ये आ गया कार्ड, और ये भव्य वेड्स तनिषा। कोई हैशटैग लिखा है भी देखते हैं, क्योंकि वो खुद बाहर है ना ये दीदी। और बढ़िया कार्ड, बड़ा सुंदर है देखो। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है ना, जो है बच्चे सारे धीरे धीरे शादियों पे शादियां, हाँ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं क्योंकि दीदियां हैं बड़ी सारी। ये है ताया जी की बेटी, मिस्ट्री मैन के ताया जी थे, सेकंड नंबर वाले ताया जी ना, उन्हें श्री राम ताया जी, अंजू दीदी। और वो कल मैंने एक छोटा सा बेबी दिखाया ना, वो भी ताया जी की दूसरी बेटी है, उनका पोता था, बहुत क्यूट रिदू। उसके साथ सना तो पागल हो गई थी, उसको तो वो चाहिए था, लकीली कल वो आ गया। वैसे यूजुअली कम आता है वो, और इतना प्यार था उसको, कह रहा बुआ आजा। सना तो इतनी निहाल की मम्मा बुआ बोल रहे हम। जो मिठाई का डब्बा है ना, ये दीदी को पता है, हमारे पूरे खानदान की ये फेवरेट बर्फी है। ये मोस्टली जिसकी शादियां होती हैं सब यही देते हैं, चना बर्फी। और ये चलती भी मतलब लंबी है, इसका कोई खराब होने का इशू नहीं है, और बहुत यम लगती है। अब टिफिन में डालेंगे यही बर्फी। क्रेजी फैम ये कर रहा, मम्मी कह रही है चॉकलेट है। मैंने कहा मम्मी नहीं, यही तो खिलाते हैं, ये देखो ना ये घर में भी पड़ी है। और ये उनकी बहुत, चलो अब दादी देंगी टेस्ट टेस्ट, बहुत मशहूर है। अब मीठा कम खा रहे हो, आपको नहीं पता। चलो दादी बताओगे कि बहुत बढ़िया बेटा। देखो अच्छी चीज के साथ पाप करो, अगर मीठा खाना ही है तो अच्छी चीज खाओ। और क्रेजी फैम आज लक्ष्मी नहीं आई, और पता कल ही मिस्ट्री मैन बोल रहे थे उसको छुट्टी का पूछ ले। मैं तो क्यों पूछूं, अगर पूछूंगी तो उसको लगेगा छुट्टी नहीं है। और आज उसका सुबह सुबह कॉल आकर उसके पेट में दर्द है, पर चलो कोई बात नहीं यार। क्रेजी फैम कितना खुश है देखो, ये इसकी फेवरेट कड़ी है। इसको कड़ी भी नहीं अच्छी लगती, बताओ। ये रोज कहता है नॉनवेज बना लो या पनीर बना लो, बताओ खा के बताओ कैसी है। खाने में तो अच्छी लगती है, मतलब सुन के नहीं अच्छा लगता ना, है ना। सही है, कॉल है, मस्त बोले एक बारी, क्या मस्त चाची मस्त है ना। चल ठीक है, एक्टिंग क्यों कर रही है, थका हुआ है। हम सना भी कड़ी चावल खाने बैठ गई है, मस्त है, खट्टी खट्टी मस्त खट्टी बढ़िया। फैम दादी जा रही हैं, कहाँ जा रहे हो दादी बता दो। संत नगर जा रही हैं दादी। गुरु महाराज जी आए हैं ना, तो दीदी ऋतिक को मत्था टिकाने जा रही है, तो मम्मी को भी बोला, तो मम्मी दीदी के साथ ही जाती है, तो सिर्फ कल जाएंगे और कल सुबह 4 बजे निकलेंगे, और कल रात को ही मतलब संडे सुबह तक आ जाएंगे। तो अचानक प्रोग्राम बना है, तो मम्मी ने वैसे आज शादी पे जाना था, क्योंकि yes. मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की पोती की शादी है। बट मम्मी को लग रहा है यहाँ तू तो, क्योंकि दीदी के बिना नहीं जा पाती। तो कोई नहीं, हम आएंगे शादी पे, सारे काम जरूरी है। तो मम्मी को बस अब दादी भैया छोड़ने जा रहे हैं छात्रा। क्रेजी फैम ये देख लो, सना पैकिंग करा रही है दादी की, कह रही क्लिप नहीं रखा। क्लिप क्या करेंगी, वो एक क्लिप जो लगाया वही उनके लिए बहुत है। उनको कह रही क्लिप नहीं रखा आपने, चलो क्रेजी फैम ये सना छोड़ के आ रही, नीचे छोड़ के आ रही दादी को, राजेश भैया खड़े हैं नीचे। चलो मम्मी बाय कर दो क्रेजी फैम को, आराम से जाओ। चलो सना छोड़ के आराम से आ जा, ठीक है। क्रेजी फैम अपने सेगमेंट पे आ गए हैं, गेम सेगमेंट पे। और वो कह रही है ग्लास ही की करते रहते, तो ग्लास में अच्छे चैलेंजेस है तो क्या प्रॉब्लम है, बताओ करना क्या। ये मैंने ढूंढा है, बॉल मिल गई। हाँ मुक्ति से फोन किया, पता है मुक्ति का आया था, मैं कहा वीडियो कॉल करूं, कह रही नहीं अभी बिखरा हुआ है, कह रही मैं ही करूंगी आपको। है क्या बताते हो, बताती हूँ अभी, सबर तो कर लो। और ग्लास से ये माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर गेम्स होती है इसमें है ना, तो मजा यही आता है। इसमें कलर का कोई ऑप्शन नहीं है, हट जाओ पहले, मैं शुरू कर रही हूँ, हट जाओ, सीधा स्टार्ट होगा नहीं। हाँ एक बार मैं आधे कलर वाली जीता से, ये देखो ये आपने देखी है, ये आपने देखी है क्रेजी फैम, मेरी गेम थी ये आपने देखी है, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ, जिसने भी देखी है मैंने ये। तो ये स्टार्ट क्या करो, टाइमर लगेगा अभी। अच्छा टाइम स्टार्ट से 3 2 1 गो। ये सीख ली होगी आपने, ये मैंने बताई थी, ये देख लो,
ये देख लो, ये देख लो, खुश 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 टाइमिंग 18.75 है चाची की टाइमिंग। चलो क्रेजी फैम आते सना की बारी, 3-2-1 गो। क्या इसमें डिफिकल्ट? ठुमक 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 चाची, बस बस यस कम ऑन, उठानी पड़ेगी वो बॉल, वो देख लो, ये एक्टिंग एक्टिंग उठाओ ना उसको, उठा के सारी पूरी होनी चाहिए, एक्टिंग करनी है उसको, टाइम लगेगा ना मेरे को। चलो दो बॉल उठाओ जो रह गई हैं। अच्छा वो भी करनी है, वो थोड़ी करनी है, वहीं पे खत्म करो ना, गिर गई गिर गई। चलो ठीक है, तो सना की तो दो बॉल फिर कहाँ गई? नहीं साथ ही कर, वही करनी है, जितनी है पूरी वो वोबली यूज हो जाएगी ना। चलो कंपनी से फोन इतने आ रही है सना, आप हारते हुए इतना। चलो 49.5 सेकंड्स योर टाइम स्टार्ट्स इन 3-2-1 गो। इतना उछालने की जरूरत नहीं है जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, ये बस एक स्ट्रेटजी चाहिए जो मेरी उम्र के लोग में ही आ सकती है, आप में नहीं हो सकता, आपसे छोड़ दो आप, आपसे जीत रहे हैं नहीं जीत सकता, वो तेरे से भी नहीं हो सकता, जीत गए कैसे 14.81 सेकंड दिखा दो सना, और अपनी शक्ल भी दिखा दो एक बार, और अभी आए हैं हमारे धुरंधर प्लेयर जो कि जीतने वाले, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। यस चलो आ गए हैं धुरंधर प्लेयर अर्जुन वेली ने, तैयार बिल्कुल, 3-2-1 गो। अभी एक बॉल रहती है आपकी, याद रखना एंड के लिए। तो क्या इसका नहीं नहीं ऐसे ठीक है, ये देख लो ना क्रेजी मैन धुरंधर प्लेयर को देख लो एक बारी, चाची से हारते हो, अभी एक बॉल बची है, चाची से हार चुका है, तो एक बॉल करो जल्दी, टाइम दिखा दो। क्रेजी फैम विनर की शक्ल दिखाई जाए, ये रहा विनर आपका, जिसने गेम सोची थी बताई थी और उन्होंने झूठ बोला था, वो फिर भी सेकंड आ गई, और आप धुरंधर एक और हमारी प्लेयर है जो आजकल क्विट नहीं करती, 50 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सीख रही है, हारने इनको जानते हैं, इसमें क्विट नहीं कर रही, और वो कह रही है की ब्लॉग में मजा आता है, मजा आता है हारने का, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है चल। फीवर ही नहीं उधर, इन दोनों ने तो देखी नहीं है अभी मूवी, दिमाग में कल आप शॉर्ट, मतलब हाँ आप शॉर्ट देख चुके होगे अभी तक, तो वो मतलब दिमाग नहीं चल रहा, और बॉबी देओल ने यार क्या कर दिया आज, इन बच्चों ने तो देखी नहीं मूवी फिर भी, बस 13 मिनट में क्या कर गए यार वो, मेरे को तो रणबीर कपूर भूल गया सच्ची है, लेकिन बहुत बढ़िया फाइट थी, और बिना बोले ऐसा बिना बोले बोले, अगर बोलते तो पता नहीं क्या ही करते। क्रेजी फैम आपने अगर किसी ने एनिमल देखी है तो कमेंट्स में बताना कि आपके हॉल में किसी ने उस पे मोई मोई बोला, मेरा मोई मोई बोला था हमारे टाइम में, मेरा भाई सुन नहीं सकता, मेरा भाई हमारे हॉल में बोला था मोई मोई, हमारे वाले में बोला था, प्रॉपर गाना चला था मोई मोई, आप कमेंट करके बताना, अब मिलते हैं आपसे, मिलते हैं शाम को, तैयार हो, बच्चे नहीं जा रहे हैं, मम्मी आपको बता, दीदी के घर चलेगी, बच्चे कुणाल लेके जाएगा इनको, उनकी क्लासेस हो जाएंगी पढ़ाई करके, और मैं निकलूंगी ऐसे जब सर होंगे, और सर तो क्रेजी फैम मैं इनको लेके जाऊंगा अपने घर, और फिर जब मैं आऊंगी तो दोनों को ले आऊंगी, या फिर या भैया आएंगे तो भैया के साथ, मतलब ये आके जल्दी सो जाएंगे, इसका स्कूल है, कोई नहीं, इसका स्पोर्ट्स डे है संडे को, और कल के लिए कुछ खास होने वाला है, रोज सेम चीज, रोज नई आउटफिट, बस आज लास्ट डे है, उसके बाद ब्रेक आ जाएगा, तो और अभी क्लीना का मैसेज आया है, उसने मन में लीन लगवा लिया है, बड़ा अच्छा अच्छा लगा मुझे, और अच्छा लग रहा है वो ना, मन में लीन सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसे बच्चे खुश रहे तो अच्छा ही लग रहा है, लीना की हर स्नैप में वो मन में लीन आ रहा है पीछे मिरर सेल्फी में, आए तो अच्छा लग रहा है मुझे भी देख के, अच्छा लग रहा है कि उसने उस चीज का यूज किया, और एक होता ना लाइफ टाइम मेमोरी है ये मन में लीन अब सबके लिए, तो और अब चलते हैं वहां, और कुणाल लेके जा रहा बच्चे, ठीक है अपने पास खाना वाना खिला के वापस सोने आएंगे, तो भैया होंगे ही तो बच्चे सो जाएंगे आराम से, अगर क्योंकि आने जाने में ही 1.5 घंटे का दिखा रहा है, क्योंकि गुड़गांव जाना है, तो 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, और बस वहाँ ज्यादा कुछ, क्योंकि मैं
बच्चों को भी नहीं जानती, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, जैसे भैया आए थे बस उनको जानती हूँ, बस खाना खाएंगे सगन देंगे और वापस आना है और कुछ नहीं करना। मम्मी होती तो फिर थोड़ी जान पहचान और निकल जाती है। आंटी से मिलवाऊंगी अगर मिल पाई तो, मतलब ये होता ना दादी की उनको, उनको ये भी नहीं पता ना कि व्लॉगिंग करती हूँ, वो कैमरे से ही हो जाएगा कि क्या हो गया इसको, घर आएंगी किसी दिन तब मिलवाऊंगी आपसे। तो बस अब चलते हैं और जो जो करेंगे दिखाएंगे आपको। शाउट आउट अभी दे दूं? यस ठीक है। और आज का शाउट आउट जाता है आठवीं ऋतिका को और मोहसिन अंसारी जी को। मेरे को लग रहा है एज में काफी छोटे ही हैं क्योंकि चाची जी करके, और इनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये हमेशा हैशटैग यूज करते हैं हमेशा, और सबको एनकरेज करते हैं कि आप हमेशा हैशटैग यूज करते हैं, हमको सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और आप लोग भी करो। आठवीं ऋतिका भी कमेंट आजकल मेरे को दिखने में आ रहा था, देखो मैं ध्यान से पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स, तो ऐसे प्यार देते रहिए। अब चलते हैं वेन्यू पे। चलिए चल पड़े हैं, और 8 बजे सोचा था पर 8:43 हो रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अब बच्चों की टेंशन नहीं है, खा पी के सो जाएंगे। कल सना का नॉर्मल वर्किंग डे ही है क्योंकि उसका स्पोर्ट्स डे है, जूनियर्स का स्पोर्ट्स डे है, पर उसकी एंकरिंग है तो उसको जाना है। कल पूरा दिन प्रैक्टिस होगी और गला भी उसका बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। और एक जो शेयर करनी थी मुझे आपके साथ चीज़, वो ये थी कि ऋषभ कल मिला ना, तो कल उसका वो विप्स में जॉब करता है, तो उसका वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है या फेस्ट हो रहा है जो भी है, तो परमीश वर्मा वहाँ पे आ रहे हैं। वो उनका जो गाना है, वो मुझे तो एक ही गाना पता है सर, सच्ची बताऊँ तो, गालनी गढ़नी वाला। और कल वो आएंगे और वो कह रहा है कि चलो, और उसको स्टाफ मेंबर्स को मिलते होंगे पासिस वगैरह, वो कह रहा है आओ अगर आ रहे हो तो। मैं कहा चले यार चलते हैं, क्रेजी फैम को दिखाते हैं और कितना कैप्चर कर पाते हैं पता नहीं, क्योंकि मैं ना ऐसी रश वाली जगह पर बहुत कम जाती हूँ, और कुणाल बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं है कि जाएँ हम लोग। एक कहीं एक दिमाग में आ रहा है कि चलो बच्चों को भेज दूं, बट नहीं, फिर लग रहा है कि नहीं, मिस्ट्री मैन के साथ ना, मिस्ट्री मैन ने गाना चला दिया, वो अब उनसे बंद नहीं हो रहा है गाना करता ना, तो क्या कहते हैं, पर मिस्ट्री मैन कहते चलते हैं क्योंकि बहुत उनको मतलब उनका फेवरेट है, उनको अच्छा लगता है उसके गाने वगैरह। तो चलो कल का दिन ये शेड्यूल करते हैं, और मम्मी तो चली गई हैं, और सौरे को मैंने बोला सुबह पढ़ाई कर लेगा उसके बाद चलते हैं, तो अब पहले आज का अटेंड कर लेते हैं, फिर कल के लिए एक नया लाइनअप हो गया देख लो। तो चलो अब वहाँ वेन्यू पे पहुँच के आपको दिखाऊंगी खाना पीना ही। पहुँच चुके हैं जी वेन्यू पे और इतना रश है और ऑलरेडी 10:20 हो चुके हैं। ये रहा वेन्यू कैसी था, और बारात आ चुकी है, बस फटाफट खाते हैं, बहुत भूख लगी है, खा के फिर आंटी को ढूंढते हैं, उनको सगन देते हैं और चलते हैं। चलो क्रेजी फैम, ठंड इतनी है, यहाँ पे सूप ले लेते हैं, टोमेटो सूप है, मोचो सूप है, इस पीते हैं। क्रेजी फैम फेरों के लिए जगह देखो कितना अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा वैले पार्किंग का चक्कर था, बाकी तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, नाइस। हम देखते हैं जो जो नया कुछ दिखेगा तो दिखाती हूँ आपको। हमारी फेवरेट चीज मिल गई यहाँ पे, पालक पत्ता चाट, मतलब भैया बना के दे रहे हैं, बढ़िया से खाते हैं, बहुत बढ़िया। फिर हम ये ट्राई करूंगी अब मैं क्रोशेटे भाजी, बेसिकली ना ब्रेड के ऊपर भाजी लगाई हुई है चीज के साथ, बहुत यम्मी। ये देखो दूध,
और ये डैडी को बहुत पसंद था, वो आते तो ज़रूर खाते, मम्मी को भी अच्छा लगता है। और ये जलेबी, जलेबी विंटर की शादियों में ये मज़ा है, जलेबी और मालपुए। ये देखो वर्ल्ड की क्यूटेस्ट छोटी छोटी जलेबियाँ। क्रेजी मैम खाना खा लिया, थोड़ी सी कढ़ी राइस खा लिया, घर में भी कढ़ी राइस, यहाँ पे भी मेरा छोटी छोटी क्यूट सी जलेबी और मूंगा हलवा, मीठा खाते हैं और चलते हैं घर। क्रेजी मैम ये देखो कुल्फी, ये है पंडित राम निवास भाग में टूटे। और सच्ची बताऊँ मीठे में इतना कुछ है समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो वही दो चीज़ें खाई अपनी, वो मूंग दाल हलवा और जलेबी। आइसक्रीम खाने का भी इस टाइम दिल नहीं है, बहुत ठंड लग रहा है। कुल्फी ले ही आए मिस्ट्री मैम, कह रहे खा के देखो, खा के देखते हैं। क्रेजी मैम लास्ट में आए हैं कॉफ़ी लेने और यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं मस्त, बहुत ठंडा, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, वापस यहीं शुरू किया था यहीं वापस आ गए, बट अब कॉफ़ी लेते हैं और बाहर निकलते हैं। और ये मैंने पहले भी आपको जगह दिखाई ना, ये फेरों के लिए जगह होगी यार, बट ये ओपन में ठंड नहीं लगेगी, क्या हो सकता है ब्लैंकेट्स वगैरह भी नहीं है लोग, बट अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, काफ़ी बड़ी जगह, गैदरिंग भी ज़्यादा बड़ी है, बट पता नहीं चल रहा कोई कंजेस्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। और एक्चुअली खाने की जगह ना दो तीन हिस्सों में बटी हुई है, इधर स्नैक्स हैं, उधर गोलगप्पा चाट कॉर्नर दूसरी तरफ है, अंदर जो है खाना है, हमने तो बहुत कम टाइम में ना सब कुछ खा लिया। बहुत बढ़िया कॉफ़ी और इस ठंड के मौसम में तो बहुत मज़ा आ रहा पी के। चलिए चल पड़े हैं वापस और 12 o'clock हो चुके हैं, बस अब घर पहुँचते हैं फटाफट, अभी भी 1 hour का दिखा रहा है रास्ता, आते हुए तो 1 hour 1.5 hours लग गया था। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और प्लीज़ फेसबुक पे जाके फॉलो कीजिए और खूब सारा हैशटैग को फैलाइए, शेयर कीजिए खूब सारा, बने रहिए व्लॉग को देखते रहिए। और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।